एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? डॉक्टर के पास जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए है ना? ये रोज ऐसे करता है, इतना खुश कौन बच्चे होते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए? नवाब और शैतानी मत करना वहाँ पे। वहाँ पे इसने अपना वो करा हमारी नाक पे। आज तो मुझे लगता नहीं कि इसको ड्रिप चढ़ेगी ना, बस इसको बुखार का बोलना कि बुखार, देखो बुखार क्यों आ रहा है। पहन तो ले आराम से, जब तू पहनेगा तभी तो तू जाएगा, फिर तू वहाँ पे बाकी कुत्तों पे भौंकेगा, दर्शन दिखाएगा। ये देखना, इसे पकड़ाना मेरे पे। नहीं नहीं, क्यों, हम पहनाएंगे। देखे ना वो कर रहा ढंग से नहीं करेगा। नवाब ठीक से पहन भाई। नोबो तो जाएगा कैसे फिर तू? तो मास्क कहाँ दे रहे हैं? अरे रुक जाओ नवाब, इसको पहले नहीं ले आती तो उसे बनी। ओह माय गॉड, बनी बनी आ गया अभी बाहर। आज हमारा हॉस्पिटल में तीसरा दिन है, अभी हम वेट कर रहे हैं, पहले नवाब का बुखार नापेंगे। और पारस ने नवाब को पकड़ा हुआ है उधर, पर नवाब की नज़र इधर है और वो कह रहा है कि तू इधर आ जल्दी। ठीक तो हो गया, वही कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, अभी करता हूँ मैं बुखार नापता हूँ अभी। नहीं नहीं, अब पहले तो बुखार नापे। तो अभी हम नवाब को डॉक्टर के पास से लेके आ गए हैं और आज भी उसे बुखार है 103.4। तो डॉक्टर ने अभी तो बुखार की दवाई दे दी है और कुछ नहीं, उसको ग्लूकोज वगैरह से लेनी चढ़ा है क्योंकि वो खा भी ठीक रहा है और उसने कल उल्टी नहीं करी। लेकिन डॉक्टर ने ये बोला है कि इसका जो बुखार, एक्चुअली इसका जो टेम्परेचर है मोस्टली इतना ही रहता है, वो भी कह रहे थे कि एक साल से मैं देख रहा हूँ कि इसका 103 इतना टेम्परेचर तो इसका रहता ही है। वो ये कह रहे थे कि अगर एक हफ्ते बाद भी आप चेक कराओगे जब आओगे तो अगर इतना ही रहेगा तब हमें ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा इसका। तो अभी हमें कुछ पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है इसका रीज़न, इतना टेम्परेचर इसका हाई रहता है। बट एक अच्छी बात है कि ये जो है बच्चा जो है एक्टिव है, खुश है। और लेकिन कोई देख के कह नहीं सकता कि इसे बुखार है। जब भी कोई देखता है कि आप इसे डॉक्टर के पास लेके क्यों आए हैं, लोग कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हैप्पी है, खेल रहा है, कूद रहा है। बट इसके जनरली इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो ये थोड़ा वरी करने वाली बात है। पता नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आई थिंक कि मे बी हम, अगर हमें डॉक्टर एक हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट के लिए बोलते हैं, मैं बाकी भी हम लोगों से पूछ रहे हैं, बाकी डॉक्टर्स से भी अब बात करेंगे इस बारे में। तो ये है आज की अपडेट नवाब की। और अभी भी वो अपना बेबी लेके घूम रहा है नीचे इधर उधर, तो दैट इज़ अ हैप्पी थिंग, हैप्पी फीलिंग। वैसे ही खुश।